राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ उसको आपको हैंग करना है, ठीक है? राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? श्री स्वामी समर्थ आप सबको, आई होप आप सब ठीक होंगे। कोकन टू केन्या इस चैनल में मैं शलाका आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया ये हमारे हिंदू समाज में बहुत बड़ा एक मुहूर्त होता है, जिसमें आपको अलग से पंडित जी के पास मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। तो आज मैं पूजा करूँगी। इस दिन आपको आपकी जो दरवाजे की चौखट होती है ना, वहाँ पे हल्दी का लेपन करना रहता है। हल्दी का लेपन कैसे करते हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगी इस वीडियो में, ताकि आप कोई भी कास्ट के हो, महाराष्ट्रियन हो आप, गुजराती हो, पंजाबी हो या किसी भी कास्ट के हो, आप आपके दरवाज़े पे हल्दी का लेपन ज़रूर कीजिए। और अगर ये वीडियो मैंने लेट पोस्ट किया तो आप हर सैटरडे या हर थर्सडे आप हल्दी का लेपन कर सकते हो आपके दरवाजे में। उससे क्या होगा, माता लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेगी, और जो भी नेगेटिविटी आपके घर में किसी भी इंसान के थ्रू आ रही है, किसी वस्तु के थ्रू आ रही है, तो वो आपके घर से चली जाएगी, तो या आपके घर में एंटर नहीं करेगी। तो वो एक चीज़ आपको करनी है। हल्दी का लेपन आज मैं करूँगी। और भगवान विष्णु का तो मेरे पास फ़ोटो नहीं है, ना ही मूर्ति है, ना ही फ़ोटो है, लेकिन माता महालक्ष्मी का मेरे पास फ़ोटो है, तो मैं उनकी आज पूजा करूँगी। और आज के दिन मतलब अक्षय तृतीया के दिन उनको आपको पीली चीज़ें अर्पण करनी रहती है, जैसे कि पीले फ्लावर्स, पीले वस्त्र, पीला फ्रूट, मतलब जैसे बनाना आप अर्पण कर सकते हो, या तो पाइनएप्पल अर्पण कर सकते हो, और पीली मिठाइयाँ, मतलब जो भी पीले कलर की मिठाई है वो आप अर्पण कर सकते हो। तो वो सब रोहित लेके आएगा, तब मैं उनको अर्पण करूँगी। फिलहाल मैं तैयार हो गई हूँ, नहा धो के साफ़ सुथरी, और घर में साफ़ सफाई होना ज़रूरी है। तो मैं पहले मतलब मेरी पूजा हमेशा मैं थोड़ा लेट शुरू करती हूँ, ताकि घर में पहले साफ़ हो सब कुछ, और फिर ही मैं पूजा का शुरू करूँ पूजा। तो आज मैंने ऐसे प्रॉपर मैं कभी इंडियन वेयर ऐसे मतलब स्पेशली साड़ियाँ मुझे पसंद है, लेकिन कुर्ती वगैरह मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझ पर सूट नहीं करती लेकिन ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और इन दोनों को देखो, पॉपकॉर्न बना के दिए थे, तो ये पॉपकॉर्न खा रहे हैं दोनों भी। और ये तो अभी लगा हनुमान चालीसा, लेकिन आपको ना विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु जी के जो विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप श्रवण भी कर सकते हो, मतलब सुन सकते हो उसको। तो पूरे दिन आप वो कीजिए। और एक उपाय है, जो उपाय अगर आपने आज के दिन किया या कोई भी गुरुवार के दिन किया, तो आपके घर में हमेशा माता जी का वास रहेगा, और हमेशा महालक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न रहेगी। तो मैं आपको उपाय इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, और वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो के एंड में जो मैं उपाय बताऊंगी वो ज़रूर कीजिए आप, जो कि करने के बाद आपके घर में लक्ष्मी जी हमेशा रहेगी, वो कभी आपसे रूठेगी नहीं, और उसका जो आशीर्वाद है वो आपके घर में हमेशा रहेगा। तो शुरू करते हैं पूजा से, फिर मैं हल्दी का लेपन करूँगी, और फिर मैं वो उपाय बताऊँगी आपको। हो सके तो मैं आज के आज ये वीडियो पोस्ट करने का ट्राई करूँगी, देखते हैं कैसे होता है। आपको मुझे ना एक बात ज़रूर बतानी है कि आप जब भी भगवान की पूजा कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, तो आप मतलब आसन पे बैठ के ही करना, आप फ्लोर पे डायरेक्ट मत बैठना, आप आसन पे बैठ के ही पूजा चैंटिंग या कुछ भी भगवान की चीज़ें कर रहे हैं वो आप आसन पे बैठ के ही करना। तो मैंने आसन डाल दिया है, पूजा को शुरुआत करते हैं।
और देखिए ऐसे मैंने अभी बोला ना कि ऐसे पीले चीज़ें रखती है और रोहित लेके आएगा, तो देखो पूजा चालू ही है और तभी फ्लावर्स आ गए हैं। देखिए फ्लावर्स है, मिठाई भी आ गई है और केले भी आ गए हैं। तो अच्छा हुआ ऐसे पूजा ख़त्म होने से पहले ही वो लेके आया। वैसे तो बाद में भी मैं दिखा सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी अवेलेबल होगा उसमें सेवा कीजिए। कभी भी भगवान ये नहीं बोलता कि ये कंपलसरी ये मुझे चाहिए ही। तो हमेशा मैं वीडियो भगवान वाले जितने भी वीडियो है उसमें मैं बोलती रहती हूँ कि जितनी सेवा आप कर सको उतनी। वस्तु चीज़ें है नहीं है उसका कुछ नहीं, आपकी भक्ति मेन है। तो तीनों भी चीज़ें आ गई है, मैं जल्दी जल्दी पूजा करती हूँ, दिया बत्ती करती हूँ और फिर मैं हल्दी का लेपन निकालती हूँ कि हल्दी का लेपन कैसे करें। तो आप देख सकते हैं पूजा हो गई है अपनी। मैं अपनी यहाँ पे पीला फल तो मायरा है, पीला फल तो केला रख रही हूँ। तो मैंने केला रख दिया है और पीली मिठाई में इसमें लाया है, बहुत फ्रेश है देखो ये पेड़े हैं, तो पीली मिठाई में पेड़ा रखती हूँ। तो दो पेड़े रखे मैंने, तो देखिए पूजा हो गई है, कितनी प्रसन्न और कितनी खूबसूरत। और ऑन मतलब पूजा चालू था तभी रोहित आया, वो अच्छा हो गया क्योंकि उस वजह से मैं फूल वगैरह अभी मतलब चढ़ा पाई भगवान को, थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दिया है। हर बार मैं करती हूँ सबको पता है, तो मैं फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ मतलब बैक कैमरे से कि कितनी अच्छा मतलब सब दिख रहा है। आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति से भी कर सकते हो और अगर फोटो है तो फोटो से भी कर सकते हो आप। और ना पीले फूल में अपने पास और एक फ्लावर है, मैं दिखाती हूँ आपको, वो भी चढ़ा ही देते ना भगवान को, अर्पण हो जाएगा तो और अच्छी बात है। तो देखिए ये पीला रोज़ है तो इसको भी चढ़ा देते हम। कितना अच्छा लग रहा है। तो प्रसाद खा के हो गया और पूजा हो गई है अपनी। तो अब मैं बताती हूँ कि हल्दी का लेपन कैसे करना है जल्दी जल्दी। तो देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। हल्दी के लेपन के लिए आपको चाहिए हल्दी, कटोरी में मैंने हल्दी ली है। आपका उम्बरा जो है मतलब चौखट जिसे बोलते हैं वो कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करता है कि हल्दी आपको कितनी लगेगी। तो मैंने 2 स्पून हल्दी ली है और गोमूत्र, ठीक है ये प्योरीफाइड गोमूत्र है। आपके पास अगर प्योर वाला गोमूत्र मिलेगा ना मतलब जो भी तबेले रहते हैं वहाँ से, या आपका दूध वाला अगर आपको लाके दे सकता है तो भी चलेगा। ये इंडिया का है जो प्योर करके रखते हैं ना वो वाला है ये, तो ये मेरे पास था। अदरवाइज मैं मेरे जो भी दूध वाला आता है उसको मैं बोल देती हूँ तो वो बॉटल भर के लेके आता है। तो मेरे पास ये है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो आपको इसमें डाल देना है
ठीक है। अगर ये कम पड़े ना, मतलब जैसे गोमूत्र कम है और हल्दी ज़्यादा है, तो आप पानी भी मिक्स कर सकते हो। आपके पास गोमूत्र नहीं है तो आप पानी के साथ मिक्स करके लगा सकते हो। तो मैं जल्दी जल्दी ये बना देती हूँ पहले। देखिए कंसिस्टेंसी ना ऐसी इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं, क्योंकि पतली करोगे तो वो पूरा ऐसे बह के नीचे चला जाएगा और गाढ़ी करोगे तो वो अच्छे से लगेगा नहीं। तो ये मेरा रेडी है, चलते हैं बाहर। तो ये मेरा उमरा है, जैसे इंडिया में कैसे वो उभार वाला होता है ना, ऐसे चौखट लगाती है, वैसे यहाँ के दरवाजे में, मतलब मेरे दरवाजे में तो नहीं है, हमारे बिल्डिंग में किसी के भी दरवाजे में नहीं है, तो मैं यहाँ लगाऊंगी। ठीक है, देखिए मैंने फूल लाया है, ये कपड़ा लाया है ये पोछने के लिए। वैसे पहले से ही ये मतलब पोछा है, लेकिन फिर भी मैं पोछूंगी इसको, और इसमें हल्दी कुमकुम है। तो पहले मैं इसको क्लीन करके लेती हूँ। और अब ये हल्दी को आपको ऐसे हाथों में लेना है और ऐसे उसका लेपन करना है। ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन आज मैंने आपको भी दिखा दिया ताकि आपके घर में भी आप ये उपाय कर सके। ये माता लक्ष्मी के लिए उपाय किया जाता है। मैं फूल एक एक फूल ना तुलसी को भी चढ़ा देते हैं। तो आपने देखा हमने हल्दी का लेपन कैसे किया। हल्दी का लेपन अगर ये व्लॉग बाद में भी आया, अगर कल आया या परसों भी आया, तो हल्दी का लेपन आप कोई भी गुरुवार या कोई भी सैटरडे कर सकते हो। आपको बस वही करना है जो मैंने दिखाया, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो नेगेटिविटी, जैसे बहुत लोग ना आपके सामने बहुत अच्छे रहते हैं, पीछे से आपकी बुराई करते रहते हैं। घर में आते वक्त हमें पता नहीं रहता जो बंदे आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं वो सच में आपके आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। तो वो जो नेगेटिव वाइब जो दूसरों से आपको आती है, आपके घर में आती है उनके थ्रू, तो वो बाहर ही बाहर के बाहर ही चली जाएगी। वो तो ऐसा बहुत बार होता है
कि लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे लेकिन वो आपके सामने अच्छे हैं, तो नेगेटिव लोगों को या नेगेटिव चीज़ों को आपके घर से आने से ये चीज़ रोकती है, जो भी हल्दी का लेपन आप कर सकते हो करते हो वो। और सैटरडे को जो अगर किया है तो आप 2 दिन रख सकते हो उसको, 3 दिन रख सकते हो, तो जैसे सैटरडे से आप वेनसडे तक रख सकते हो। अगर आपको पॉसिबल है तो रोज़ कीजिए, है ना, वो भी बेस्ट है। और इसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव वाइब्स सारी बाहर रहती है और पॉजिटिव वाइब्स ही आपके घर में आती है। तो वो हो गया हल्दी के लेपन कैसे करना है और क्यों करना है उसका एक्सप्लेनेशन। अभी आपको क्या करना है, आज के दिन आज नहीं हो पाया तो कोई भी गुरुवार के दिन आप कीजिए। आपको लेना है लवंग, लौंग, पता है ना लौंग, ठीक है। तो ये अखी लवंग है 16 गिन के लिए, मैंने 1 2 3 ऐसे 16 गिन के लिए, अखंड है वो, कहीं पे भी उसका ये ऊपर वाला हिस्सा कटा नहीं है या नीचे वाला कटा नहीं है, अखंड लिए मैंने। तो ये 16 आपको लेनी है, 16 लेके आपको, तो ये लौंग आपको राइट हैंड में लेनी है। और महालक्ष्मी अष्टक, महालक्ष्मी के व्रत जो भी करते हैं उनको अष्टक पता है, और जिनको नहीं पता है तो मैं, आप क्या कर सकते हो, टीवी पे लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको महालक्ष्मी अष्टक बोलना है, नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सूर पूजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। अभी ये क्या मुझे याद हो गया है, तो इसके लिए मेरा फटाफट हो सकता है, आपको याद नहीं है तो ये आप धीरे धीरे बोल सकते हो, हार्डली आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर स्लो भी बोल रहे हो तो 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो आपको ये महालक्ष्मी अष्टक है ना, वो आपको 16 बार बोलना है, जैसे 16 लवंग लिए तो 16 बार बोलना है आपको। बहुत ही ईजी है बोलना भी, तो मतलब आप इजीली बोल सकते हो। अगर आपको महालक्ष्मी अष्टक पता नहीं है तो आप टीवी पे वो चला सकते हो, ठीक है। आप गिन लेना 16 बार, एक्स्ट्रा हुआ तो अच्छा ही है लेकिन 16 बार तो मिनिमम होना चाहिए। ये 16 बार आपने बोल दिया, इसको राइट हैंड में लेके 16 बार आपको नमस्ते स्ते महामाये श्रीपीठे सूर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी कुमारी सर्व दुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो ये फटाफट आप बोल सकते हो, और बोलने के बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में धूत होना चाहिए, मतलब धोया हुआ, स्वच्छ, साफ, और उसमें ये आपको रखने हैं, देखिए ऐसे इस तरीके से मैं करके बता रही हूँ ताकि आपको इजी जाए वो। फिर आपको उसको बांधना है, ठीक है। बांधना तो आपको पता है कैसे बांधना है, बांधना है। और आपको इसको, मतलब मैं व्लॉग बहुत लंबा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि रोहित ही आएगा तभी वो लगा सकता है, लेकिन मैं बता देती हूँ ये इसको कहाँ बांधना है आपको। ये ऐसे बांध दिया, इसकी ऐसी पूड़ी बना दी, और इसको आपको आपके दरवाजे के, आप जैसे अंदर खड़े हो, ठीक है, ये आपका दरवाजा है तो मेरा राइट हैंड साइड, मतलब मैं ऐसी खड़ी हूँ, किसी को कोई आएगा तो मैं ऐसे खोलूंगी, और राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ उसको आपको हैंग करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ, मेरे तो कील लगाई हुई है, वो मैंने और एक पूजा की थी उसका वो लगाया है, और मैं इस तरफ लगाऊंगी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आपके मुख्य दरवाजे के राइट हैंड साइड कील ठोक के आप इसको बांध सकते हो। अब इसको जल्दी निकालना नहीं है, और ये जब तक रहेगा आपके घर में तब तक आपके घर में मतलब संकट नहीं आएंगे, ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलती। संकट तो आपके हमारी लाइफ का भाग है, वो तो आएंगे ही, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन उसको फेस करने का एक स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो आपके अंदर अपने आप आ जाता है। और इससे क्या होगा, आपके घर में महालक्ष्मी माता लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी, ऐसे हमेशा रहेगी आपके घर में, कभी भी वो रूठेगी नहीं। तो ये आप ज़रूर कीजिए आज के दिन। अगर ये ब्लॉग लेट आया तो आप कोई भी थर्सडे, जैसे माता लक्ष्मी का वार थर्सडे, या तो फ्राइडे जैसे वैभव लक्ष्मी का है, ये थर्सडे या फ्राइडे में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। देखिए पूजा कितनी अच्छी लग रही है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अक्षय तृतीया का ब्लॉग है, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए।
आप सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सब्सक्राइब करना ज़रूर, मतलब मत भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको व्लॉग्स पसंद आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे पता है सब लोग व्लॉग देख रहे हैं और सबको बहुत मज़ा आ रहा है व्लॉग्स में। तो भगवान विष्णु जी की, माता महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे और आप सब खुश रहे, सुखी रहे, यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। और बस सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो श्री स्वामी समर्थ, जय माँ लक्ष्मी, बाय।